नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं काजू कतली। काजू कतली बनाने के लिए सबसे पहले हमने लिए हैं 5 केजी काजू धुले हुए, और इसे हम मशीन के अंदर पीस लेते हैं। इसमें थोड़ा थोड़ा डालकर काजू की पिसाई की जाती है। इसे आप बारीक या मोटा पीस सकते हैं, और हमें बारीक चाहिए। थोड़ा थोड़ा डालकर इसकी पिसाई की जाती है। ये देखिए, हमारे काजू पीसकर तैयार हो गए हैं। अब हम चाशनी लेते हैं। ये 5 किलो काजू के अंदर हमने 4 किलो चीनी डाली है, और थोड़ा सा पानी, और 1 कप दूध डालकर हम इसे मिला लेते हैं, और इसका मैल आने पर इसे उतार लेते हैं। ये देखिए, ये चीनी का जो मैल होता है उसे हम निकाल लेते हैं एक छोटे झर से। कई बार चीनी बहुत गंदी होती है तो उसे साफ करना पड़ता है, जो चाशनी के अंदर हम दूध डालकर निकालते हैं। ये देखिए, हमारी चाशनी तैयार हो गई है। ये 5 से 6 तार की चाशनी बनाई जाती है काजू कतली के लिए। ये बिल्कुल गाढ़ी हो गई है, ध्यान रखना ये ज़्यादा टाइट ना हो। ये देखिए, बिल्कुल साफ हमारी चाशनी तैयार है। अब इसके अंदर हम डालेंगे पिसे हुए काजू। ध्यान रखना काजू पीसते वक्त उसमें पानी ना डाले, वरना ये बहुत ज़्यादा पतला हो जाएगा। इसे हम मिक्स कर लेते हैं चाशनी के अंदर। काजू डालने के बाद इसे चलाते रहें। इसे तब तक मिलाते रहें जब तक चाशनी काजू के अंदर पूरी तरह से मिल ना जाए। इसे करीब 20 से 25 मिनट तक मिलाते रहें। अब इसके अंदर हम देसी घी डालेंगे। 5 किलो काजू के हिसाब से 1 केजी घी इसके अंदर डाला जाएगा। ये देखिए, हमने देसी घी डाल दिया है। अब इसे फिर से मिलाएं। इसे तब तक चलाएं जब तक घी काजू के अंदर मिक्स ना हो जाए। ध्यान रखें दोस्तों, इसके अंदर बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है और इसे लगातार चलाना पड़ता है। ये देखिए, मिलने के बाद कुछ इस तरह का हमारा काजू दिखाई देगा। ठंडा होने के लिए इसे कढ़ाई के चारों तरफ फैला दें। इस तरह फैलाकर इसे आधे घंटे के लिए ठंडा होने के लिए छोड़ दें।
ये देखिए ठंडा होने के बाद ये मिक्सचर कुछ इस तरह के हो जाएगा। ये देखिए आसानी से टूट जाता है, बिल्कुल सॉफ्ट। इससे हमारी बढ़िया काजू कतली तैयार होगी। इसमें आप लोच लगाइए, इसे गूंथिए। इसमें अच्छी तरह से लोच लगाइए ताकि ये टूटे ना जमाते वक्त। अब ये काजू का मिक्सचर टेबल पर जमाने के लिए बिल्कुल तैयार है। इसे जमाने के लिए हम कोई बड़ी स्टील की ट्रे या एक साफ टेबल ले सकते हैं। इसकी मात्रा ज़्यादा है तो हम इसे टेबल के ऊपर जमाएंगे। टेबल पर पहले थोड़ा घी लगा लीजिए ताकि ये चिपके ना। ये हमने इस पे घी लगा लिया, अब इसे धीरे धीरे फैलाते हुए सारी टेबल पर फैला दें। पहले हल्के हाथों से इसे थोड़ा फैलाएं, बाद में एक बड़े बेलन लेकर इसमें टेबल के चारों तरफ फैला दें। आप चाहे तो इसे थोड़ा मोटा रख सकते हैं या बिल्कुल बारीक रख सकते हैं। काजू कतली बारीक होती है तो हम इसे थोड़ा बारीक फैलाएंगे। अब बेलन से धीरे धीरे इसे एक साइज में फैलाइए, ऐसा ना हो कहीं बीच से मोटा हो जाए कहीं बारीक हो जाए। अब बिल्कुल एक लेवल के अंदर इसे फैलाइए। ये देखिए हमने ये सारे टेबल पर फैला दिया है। जहाँ तक हो सके आप काजू कतली को बारीक ही रखिए। ये हमारी सारी टेबल पर फैल गई है। अब इसके अंदर हम चांदी के वर्क चिपका देंगे। ये देखिए इस तरह से आप चांदी के वर्क चिपका सकते हैं। चांदी के वर्क का पैकेट है, ये 750 रुपये कीमत होती है इसकी। ये स्पेशल काजू कतली के लिए ही तैयार किया जाता है और इसे बर्फी के ऊपर भी चिपकाया जाता है। ज़्यादातर काजू कतली के अंदर ये इस्तेमाल होता है। एक एक करके आप इसे पास पास फैला दीजिए। इसमें थोड़ा वक्त लगता है, पर ये हमें पूरी टेबल के ऊपर चिपकाने पड़ते हैं, कहीं कोई हिस्सा छूट ना जाए। और ये देखिए हमने सारी टेबल के ऊपर चांदी के वर्क फैला दिए और इस प्रकार से हम इसकी कटिंग करेंगे, बिल्कुल सीधी। इसके लिए आपको एक स्टील के चाकू की ज़रूरत पड़ती है, उसके अंदर धार नहीं होनी चाहिए, बारीक चाकू हो।
अब बिल्कुल सीधी कटिंग, साइज आप थोड़ा छोटा या बड़ा भी रख सकते हैं, पर इसे थोड़ा बड़ा ही साइज रखा जाता है। इसकी कटिंग तिरछी होती है, एक लाइन हम सीधी लगाते हैं। ये काटते वक्त चाकू से चिपक जाता है, इसलिए हम एक गीला कपड़ा हाथ में रखते हैं ताकि उस चाकू को बार बार साफ कर सकें, और बर्फी बिल्कुल साफ कटिंग हो। सीधी कटिंग करने के बाद हम दूसरी कटिंग इसके किनारे से शुरू करते हैं, एक कोने से दूसरे कोने, ताकि ये थोड़ी तिरछी कटिंग, इसकी कटिंग तिरछी ही आती है। कई बार लोग इसे चौकोर हिस्से में भी काटते हैं, पर ये ज़्यादा अच्छी तिरछी ही लगती है। इस प्रकार से देखिए, इसे काटने के लिए आप कोई स्केल का इस्तेमाल कर सकते हैं, पर हलवाइयों को तो इसकी प्रैक्टिस होती है, इसलिए वो बगैर स्केल के ही सीधी लाइन खींचते हैं इस तरह से।